नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का। आप सभी शिक्षकगण का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फैमिली में। तहे दिल से शुक्रिया है, हृदय तल से शुक्रिया है बच्चों, आप सभी लोग जुड़ जाएं। और यही मनोकामना होती है हर सुबह कि हमारे बच्चे, हमारे शिक्षकों का, हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का बहुत जल्द ही जो उनका लक है वो जग जाए। बच्चों, लक थोड़े से होते हैं बच्चों, 1% मान के चलते हैं हम लक को, और बाकी के तो कर्म होते हैं। जैसा कि आज आप सुबह एक आर्टिकल पढ़े होंगे बच्चों, उसमें साफ साफ हमने तो बच्चों इस बात को पहले ही बोल दिया था, जिस दिन पेपर आउट हुआ उसी दिन हमने बोल दिया था, क्योंकि थोड़ी सी अनुभव होती है ना तो हम आपको शेयर करते हैं अपना अनुभव, और कुछ बच्चे इस पर कटाक्ष भी करते हैं, अरे मास्टर वाह कैसे बता रहा है तू, हैं जनवरी में जाएगा एग्जाम, जनवरी में गया कि नहीं गया बताना, यूपी टेट स्वाहा। बच्चों, यूपी टेट का मतलब है कि पहली बात तो इनको कराना ही नहीं था बच्चों, इस वजह से पेपर आउट हुआ। ये सारी गुड़ागणित बच्चों आप समझ में आ रहा है हमको, ये चीज़ें शिक्षक भर्ती को लेके ही की गई थी, ये सब रणनीति थी बच्चों इनकी, और यह पूरा बच्चों राजनीतिक जो होते हैं बच्चों, एक इस दिमाग के होते हैं ना, पागल दिमाग के होते हैं लोग बच्चों, ये सब हम जो सोचते हैं ना वो बहुत आगे की सोच लिए होते हैं, आखिर तभी तो उस पद पर हैं, वहां पर राजनीति तभी तो कर रहे हैं बच्चों। या अगर हम लोग से बहुत ज्यादा ये सोच लेते हैं बच्चों, यानी कि जो घोड़े जो हमारा बच्चों जो चेस होता है, चेस गेम होता है, उसमें जो घोड़े की चाल होती है ना सबसे खतरनाक होती है, और वही घोड़े के दिमाग इन लोग के पास होती है बच्चों। यार रणनीति बना के ही रखे थे, आज उसका परिणाम हमको देखने को मिला बच्चों। जिस दिन पेपर आउट हुआ उस दिन हम जाके समझे इस चीज को बच्चों, हमको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था। बात करेंगे अभी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का भी पेपर पे इस पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, ये पूरा का पूरा इफेक्ट है ना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के भी पेपर पर पड़ेगा, स्कूटनी के रिजल्ट पे भी पड़ेगा डीएलएड वालों के, ये पूरा यूपी टेट का गुड़ा गणित बच्चों, क्योंकि यूपी टेट और डीएलएड पूरा का पूरा ये पीएनबी संस्थाएं कराती है। हमारी बात को आप माने या फिर ना माने बच्चों, बाद में तो जरूर मानेंगे जब आपके सामने ये घटना घटती है बच्चों। क्योंकि आज सुबह सुबह जब हमने आर्टिकल देखा, उसमें कोचिंग में थे बच्चों, पढ़ा रहे थे बच्चों को, हमने देखा और हमने सोचा तुरंत बना दें, लेकिन फिर कहे कि चलिए खाली होकर बनाते हैं, सुबह सुबह बच्चों को देंगे, या तो न्यूज़ बहुत जरूरी है बच्चों को देना। तो हमने बताया बच्चों, आपको पहले ही बोल दिया था कि जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है वो जनवरी लास्ट वीक में जाएगा, लास्ट हफ्ता बच्चों, ये भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, इसमें भी कुछ गुड़ागणित, बहुत गुड़ागणित बच्चों। 15 जनवरी को लगने वाला है आपका आचार संहिता, 13 जनवरी को खत्म होने वाला सी टेट, तो दो दिन में तो तैयारी नहीं हो सकती है, या फिर 14 तारीख को 13 को खत्म होगा तो 14 को बच्चों हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, 13 को खत्म हो रहा है सी टेट तो ये एक दिन में यूपी टेट करा सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। यूपी टेट कराएंगे 14 को, क्या 15 को शिक्षक भर्ती दे देंगे, या फिर 14 को शिक्षक भर्ती दे देंगे बच्चों, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो इनका पूरा का पूरा ये रणनीति था, गुड़ागणित था बच्चों, कि बीच में सी टेट है, सीबीएसई मना करेगी, ये सारी चीज़ें इन्होंने सोच के ही रखा था, और वो चीज़ें संभव हो रही हैं हमारे सामने, ऐसा इसमें कोई दो राय है ही नहीं मेरे साथियों, इसमें कोई भी मतलब ये सब चैतन्य, मतलब अपने जो चैतन्य में लाते हैं ये सब सारी चीज़ें ना, ये सब यह सोच के रखे होते हैं सारी चीज़ें। वही घटना घट रही है हमारे सामने, देख रहे हैं आप 15 जनवरी, आपने देखा होगा कि पीएनपी सचिव ने साफ साफ बोला है कि टेंडर देने में भी बहुत समय लगेगा। पहली बात है, देखिए बच्चों, अगर आप इतना लेट करा ही रहे हो तो एक काम कर लेते, थोड़ा सा एक महीने और लेट करा लो, हम तो कहेंगे जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं फंसे हुए हैं उनका एग्जाम करा लो, एग्जाम कराने के बाद ही सारी चीज़ें करोगे, जैसे कि बच्चों वैसे तो ये अवेलेबल हैं, इनके पास एलिजिबिलिटी हो चुकी है, लेकिन संतुष्टि के लिए जो बैक वाले पर सचिव हैं 2019 वाले, उनका भी एग्जाम करा लो। हम तो कहते हैं तुम 2021 वाले का भी करा लो, तब कराओ। जब सनक जाता है दिमाग बच्चों ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा उत्पाद मचते हैं, तुम कहें नहीं फिर से ओपन कर देते बच्चों, या जो लिंक है ना फिर से ओपन कर दो, जो बच्चे नहीं भर पाए थे वो भर लें बच्चों, वो लिंक ओपन होने वाला है फिर से, इसमें दो राय नहीं है, लिंक फिर से ओपन होगा, लेकिन अप्लाई नहीं किया जाए, हो सकता है बच्चों, कुछ नहीं कहा जा सकता इन लोग का दिमाग का, हो सकता है फिर से बच्चे अप्लाई करने लगे बच्चों, लेकिन यहाँ यह तय है कि जो बच्चे सबमिट नहीं कर पाए थे, पेमेंट नहीं कर पाए थे लास्ट दिन, उनके लिए लिंक ओपन होगा, वो फिर से सबमिट करेंगे, और बच्चों आपका फिर से जैसे कि जो आपका जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह था ना, कि आपका जो जहाँ पे सेंटर गया तो वहाँ पे सेंटर नहीं रहने वाला है, अब आपका फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर से आप डाउनलोड करोगे, फिर से नया डेट आएगा एडमिट कार्ड जारी होने का, है ना, फिर से रिजल्ट जब आएगा बच्चों, देखिए बच्चों, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा फिर उसके बाद पेपर होगा, पेपर के जस्ट बच्चों, क्योंकि आपको पता है एक महीने लग जाते हैं, जैसे 28 को पेपर होता है, तो अगले 28 दिसंबर को, मतलब 28 आने वाला 28 नवंबर को पेपर था, 28 दिसंबर को आपका रिजल्ट आता, मतलब बच्चों एक महीने तो इस प्रक्रिया में लगेंगे, जब पेपर होगा और रिजल्ट जब आएगा, इस दोनों के बीच में 1 से 1.5 महीने लगने वाले हैं बच्चों, कम से कम 1 महीने तो लगेंगे ही, है ना, या क्योंकि बच्चों इतनी जल्दी नहीं देने वाले, देने को तो दे सकते हैं, क्या इसमें क्या कुछ करना है, उनको कापी हाथ से थोड़ी चेक करना है, कापी आपने पेपर दिया
पेपर दिया, पेपर तुरंत गया बच्चों, ओमेरसीट होता है, तुरंत डाल दिया मशीन में, फटाफट चेक हुआ, एक क्लिक में आंसर बच्चों, दूसरे दिन तीसरे दिन आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन इन लोग की थोड़ी लापरवाही होती है, और जो भी कह लीजिए बच्चों, लेट कराने का बहुत सारा मकसद होता है, है ना। तो आप देख रहे हैं राजनीति कैसे हो रही है बच्चों, इसमें सबसे बड़ा घाटा उनका होगा जो बच्चे तैयारी करके बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा घाटा होगा बच्चों, क्योंकि उनकी संख्या बहुत, तादाद बहुत ज़्यादा है। और यह मुमकिन था बच्चों, हमने तो बोला ही था, शुरू में ही बोल दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कटाक्ष कर रहे थे, तो हमने भी बोला कि कटाक्ष करने से क्या फ़ायदा। बच्चों देखो, हमने तीन चार बातें जो जो बोली हैं, इनके बोलने से पहले हमने अनुमान लगा दिया था बच्चों, सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें घटना घटती हैं। आप लोग विश्वास करें या ना करें, पिछली वीडियो उठाकर देख लें बच्चों, जिस दिन पेपर लीक हुआ तो उसी दिन हमने बोला था ये जनवरी तो बिता ही देगा बच्चों, और जनवरी भी कंफर्म नहीं है। अब यह जब चुनाव बच्चों आचार संहिता लग जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों क्या 15 दिन के अंदर संभव लगता है बच्चों, सारी चीज़ें संभव है, संभव तो एक दिन के लिए भी संभव है, सारी चीज़ें एक दिन में भी हो सकती हैं, पेपर भी करा सकते हैं, दूसरे दिन रिजल्ट भी आ सकता है, तीसरे दिन शिक्षक भर्ती भी आ सकती है बच्चों, चौथे दिन से एग्जाम भी करवा सकते हैं, इनके हाथ में ही तो सब होता है, ये सरकार है बच्चों, सरकार के हाथ में ही सब कुछ होता है बच्चों, तो ये सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मुमकिन हो सकता है, होता है मुमकिन, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं। ये लोग का बच्चों होता है ना डिले कराना, जनता को परेशान करना, देखना अभी तो थोड़ा उथल कूद मचा रहे हैं ना, जब थोड़ा सा हो जाए या आपका चुनाव ना हो जाए ना, देखना बिल्कुल भीगी बिल्ली, मतलब एक तरह से होता है ना हाथी की तरह शांत हो जाएंगे, अभी तक कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, भाव 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 हर तरफ, भाव 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 हर तरफ, लेकिन अब जब चुनाव हो जाएगा हाथी की तरह शांत हो जाएंगे, लगेगा कि मूर्ति हो गया साला, मूर्ति हो गए सब मूर्ति, अभी देख रहे हैं ना समाजवादी पार्टी बच्चों, कोई भी पार्टी हो तो सबके सबका बच्चों विरोध करते हैं, क्योंकि अभी देख रहे हो बोल रहे हैं ना अगर आ जाए सत्ता में तब निकाल दें वैकेंसी, तब खा जाए, बोल रहे हैं अरे आपने अभी हम वीडियो लगाएं, अभी सुबह हमने एक वीडियो डाला था, रात में ही डाला था बच्चों, शॉर्ट आपने देख लिया होगा, उसमें समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, उनका सीधा बयान है कि यह सरकार क्या देगी हमें और नौकरी, ये सरकार तो युवाओं को परेशान कर रही है बच्चों, ये तो सत्य है, क्योंकि जब जब बीजेपी आई है तब तब नौकरी घटी है, हमेशा नौकरी घटा है, और यही घटना हमें देखने को मिल रहा है बच्चों। तो आप उनकी बातों को अमल ना करें, वो तो बोलने को है बोलना है, लेकिन यह तो सत्य है बच्चों, दोनों में कुछ ना कुछ खराबी है, दोनों में कुछ ना कुछ अच्छाई भी है, है ना। तो हम नहीं कर सकते, किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया जा सकता, इस बात को याद रखना। आपका एग्जाम बच्चों जनवरी में भी संपन्न होने की अति मतलब के लिए बहुत ही कम संभावनाएं हैं, जब आपने आर्टिकल देखा होगा बच्चों उसमें भी हम कह रहे हैं जनवरी में होने की बहुत ही कम संभावना है, इसको मान लीजिए आप, अगर इनको करा लेते हैं तो क्या ही हमारा हर्ज है, हमें तो अच्छा है बच्चों करा लें तो अच्छी बात है। वैसे आप लोग फोकस किए रहना, सारे क्लासेस चलाए जा रहे हैं, सारे क्लासेस देखने रहना, रिविजन करते रहना, यह नहीं कि पढ़ाई छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाई नहीं छोड़ना, इस बार पेपर हार्ड आने वाला है तो पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पेपर इजी आया था, अब समझ चुका है बच्चों पेपर का थोड़ा सा लेवल अप होगा इस बार, तो पढ़ाई करते रहना, सीटेट का एग्जाम देना, सीटेट के लिए भी क्लासेस सीडीपी के बस चल रहे हैं बच्चों, सीडीपी के और सारे क्लासेस खत्म हो गए हैं, सीडीपी चल रहा है बच्चों, डेली आ रहा है सीडीपी का सिद्धांत, जितने सिद्धांत डेली आ रहा है। अब बताते हैं बच्चों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर की, जो डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के पेपर की बात करें बच्चों, अब ये शिथिल हो गए, ये इनका दिमाग शिथिल हो गया बच्चों, क्योंकि अब आगे बहुत बड़ा चुनाव है बच्चों, यूपी का चुनाव जो पूरे देश में सबसे बड़ा चुनाव कहलाता है, विधानसभा में जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, और इस पर डीएलएड वाले बच्चे तंज कस रहे हैं, डीएलएड वाले बच्चे लेकिन दबा के रखे हैं इनको शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों, बीएड वाले को तो दखल कर दिया, बेदखल कर दिया, लेकिन वो भी धरना कर रहे हैं बच्चों, उसका भी वीडियो क्लिप आया है, दोपहर तक हम लगा देंगे उसको भी आप देख लीजिएगा, और डीएलएड वालों के भी हमारे पास बच्चों एक वीडियो आया हुआ है किस तरह से उन्होंने तंज कसा है, राजस्थान के एक व्यक्ति हैं, एक भाई साहब हैं, उन्होंने साफ साफ तंज कसा है कि अगर बीएड को आपने नहीं निकाला तो पूरे विधानसभा में चुनाव को, मतलब कि पूरे विधानसभा में बच्चों जितने चुनाव होने वाले वहां से बीजेपी बेदखल कर दी जाएगी, इस तरह साफ साफ वो भाई साहब बोले हैं, हम आपको वीडियो सुनाएंगे बच्चों, उसको देखिएगा आप और अच्छे ढंग से सुनिएगा, उसको हम लगा देंगे। जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम प्रस्तावित भी नहीं है, अभी तक तो हमने प्रार्थना पत्र दिया गया था बच्चों द्वारा कि दिसंबर में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, लेकिन दिसंबर में संभव नहीं बच्चों, दिसंबर तो गया, दिसंबर खत्म, 15 जनवरी में आचार संहिता बच्चों, जनवरी भी भूल जाओ, अब जनवरी जब भूल जाएंगे तो अगले साल मतलब अगले महीने बच्चों आपका फरवरी में स्कूटिंग का रिजल्ट आने वाला है, जब भी पेपर होगा आपका, इतना याद रखना बच्चों फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फरवरी के बाद ही होगा, फरवरी के बाद ही, इतना निश्चित है, इतना हम लिख के देते हैं बच्चों, 15 मतलब कि फरवरी के बाद ही होगा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम बच्चों, अगर उसके साथ ही बैक पेपर करा लेते तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगी बैक वालों के लिए, नहीं तो फिर आप फरवरी का वेट करेंगे, फरवरी लास्ट का वेट करेंगे बच्चों, ये कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य है बच्चों, आप लोग कटाक्ष करें चाहे जो करें, चाहे जहां से कुछ लाएं बच्चों, हमको कुछ भी बोले, हमसे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो चीज़ें सत्य हैं वो सत्य बोल रहे हैं आपके सामने, आपका फरवरी के बाद ही एग्जाम होगा फोर्थ सेमेस्टर का, ये लिखित ले लो मुझसे, फरवरी के बाद ही होगा बच्चों, ठीक है, इतनी बातें थी, अगर आपको कोई
कष्ट पहुँचाए हों अपनी बातों से, अपने लैंग्वेज से, तो माफ़ी दीजिएगा। और अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं तो भैया क्षमा खा जाते हैं, हमारे साथ कुछ मत करना, वैसे कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा साला हमारा, है क्या हो जाएगा, हमारे साथ फैमिली इतनी बड़ी है, कुछ नहीं हो सकता बच्चा। हाँ यह लोकतंत्र है बच्चों, कुछ भी बोलो लेकिन सत्य बोला, जो चीज़ें कटाक्ष करने लायक होती है बस उस पर कटाक्ष किया जाता है, अन्यथा अपशब्द बोलोगे तो बच्चों हमारे पास राइट तो है आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 19 बच्चों, लेकिन इस सब के कहने से क्या फायदा, बुरा वाला बुरा बच्चों तब कहेंगे हम ना, हमने बुरा क्या कहा है बताना, यह लोग इसी लायक होते ही हैं, यह सब किसी के होते नहीं है, अपने भाई भाई के नहीं होते बच्चों ये लोग, है ना, राजनीति एक कुत्ती चीज़ है बच्चों, कुत्ती, यह किसी का होता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बस यही बात है, नहीं बच्चों फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम के बारे में बच्चे बहुत बार पूछ रहे हैं बच्चों, हम आपको कन्फर्म कर दिए फरवरी के बाद होगा, इतने याद रखना, इतना क्या बच्चों, जब स्कूटनी का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा, इतना निश्चित है, लिखित ले लो मुझसे, लिखित ले लो बच्चों। अब जो लोग बोल रहे हैं दिसंबर में बच्चों धरने का भी कोई फायदा तभी निकलेगा जब आप लोग में संगठन आएगा बच्चों, हम इसको जनवरी तक करवा सकते हैं बच्चों, जनवरी के लास्ट तक, दिसंबर के लास्ट तक अब तो संभव नहीं है बच्चों, दिसंबर के लास्ट तक अब संभव बिल्कुल नहीं है, 15 जनवरी के पहले से पहले तो संभव है ही नहीं कि आपका एग्जाम हो जाए, लेकिन जनवरी के लास्ट तक अगर आप में साहस है, एकता है, तो दिखाओ अपनी एकता, इसको शेयर करो वीडियो को, प्लेटफॉर्म पे बच्चों को जोड़ो, पकड़ पकड़ के लाओ बच्चों, सब्सक्राइब कराओ बच्चों से, सारे क्लास फॉलो कराओ, सारे क्लास शेयर करो, किसी न किसी माध्यम से बच्चे आएंगे, हमें संगठन चाहिए, अगर संगठन है आपके अंदर तो हम फिर से जनवरी के लास्ट तक बच्चों आपको, देखिए दिसंबर बीत गया आपका संगठन बना नहीं बना बच्चों, उसे जनवरी बीत जाएगा, समय बीतता चला जाएगा, समय नहीं रुकने वाला है, इतना याद रखना, समय को सिर्फ समय के साथ चला जा सकता है बच्चों, अगर आप लोग की दम है, साहस है, तो चैनल को, प्लेटफॉर्म को बड़ा करो, फटाफट बड़ा करो बच्चों, शेयर करो, दबा कर शेयर करो, सारी चीज़ें संभव होंगी, साथ सिर्फ एक लीडर होना चाहिए आपके, आपको जो लीड कर सके बच्चों, नेतृत्व आपका करा जा सके, क्योंकि आपको नेतृत्व के लिए बहुत ही आवश्यकता है बच्चों, इधर समझ लो, क्योंकि आप लोग बिखरे हुए हो डीएलएड में, तीन भाग बिखरा हुआ बच्चों, एक तो फ्रेश प्रशिक्षु, एक तो बैक प्रशिक्षु, एक तो जो है 19 पास प्रशिक्षु, तीन भाग में बिखरा हुआ है, तो तीनों यूनिटी लाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है बच्चों, वह अगर आप कर सकते हो तो बताओ हम आपकी लीडरशिप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अगर तैयार हो तो बच्चों हम धरना कराए थे दो बार, इस बार फिर से धरना करवाएंगे, लेकिन याद रखना बच्चों पहले आपकी यूनिटी देखेंगे, फिर जनवरी लास्ट तक अगर आप हमारी बात मानोगे तो जनवरी लास्ट तक फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम करा लिया जाएगा बच्चों, जिससे कि शिक्षक भर्ती के लिए आप भी पात्र हो जाओ, यूपीटेट तो मान्य होगा लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होने के लिए बच्चों आपका पहले रिजल्ट की आवश्यकता है बच्चों, जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की बात करें बच्चों उनका 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा 8 या 9 तक उनका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। चलिए इतनी बातें थी, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो शेयर करना, धन्यवाद।